अस्सलाम वालेकुम। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज एक और नई रेसिपी जिसका नाम है मेथी मलाई मटर। बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है ये। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की, आइए देखते हैं मेथी मलाई मटर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने मलाई ले लिया है तकरीबन आधा कप जितना। यहाँ पर मैंने एक कप जितना इस तरह से कट किया हुआ प्याज ले लिया है और साथ में मैंने 15 से 20 अदरक और 15-20 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा इस तरह से बारीक कट कर लिया हुआ है और 2 मैंने टमाटर लिए हैं जिसे इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिए हैं। आधा कप जितना मैंने जो है यहाँ पे मटर लिया हुआ है और 1 बन जितना मैंने मेथी ली थी इसे बारीक कट करके वॉश कर लिया है। मटर को मैंने उबाल लिया हुआ है और साथ में मसाले लगेंगे, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा आधा चम्मच, कुछ खड़े मसाले हैं, दालचीनी है, बेलीव है और लौंग है, इलायची है और साथ में मुझे लगेगा नमक और साथ में लगेगा तेल और कुछ धनिया की पत्तियां वगैरह और गरम मसाला एंड में डालने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया था जिसमें मैंने तकरीबन 1 चम्मच जितना घी डाला हुआ है। अब इसमें मैं जो है जीरा और 4 लौंग, 4 इलायची जो है हम लोग वो डालेंगे और दालचीनी और तेज पत्ता जो है वो हम लोग बाद में मसाला बगाने के लिए यूज़ करेंगे। ये देखिए जो हमारा जीरा है वो तड़कने लगा है तो अब इसमें मैं जो है प्याज डालूंगी। करी लीफ डालूंगी, अदरक लहसुन डालूंगी और इसे मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। चलिए इसे जो है 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए जब तक जो है हमारा प्याज और वो सब जो है लाल हो रहा है तब तक मैं इसमें जो है 1 चम्मच घी डाल दूंगी और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी मेथी। और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। और ये उबले हुए मटर हैं ये हम लोग जो है बाद में डाल देंगे। अगर आप अपने मटर को नहीं उबाले होंगे तो आप कुछ जो है साथ में डालकर इसे जो है इस वक्त पका सकते हैं। चलिए इसे जो है मैं थोड़ा सा चढ़ा कर गलने के लिए रख दूंगी ताकि ये जो है धीमी धीमी आंच पे गलता रहे। देखिए इसमें जो है टमाटर प्याज और तमाम चीज़ें जो है अच्छी गल गई हैं। अब जो है इसे हम लोग ठंडा करके पीस लेंगे। ये देखिए मेथी भी जो है हमारी अब गल गई है, काफ़ी अच्छी जो है पक गई है। अब इसमें जो है मैं मटर डाल दूंगी और दोनों को साथ में एक बार और पका लेंगे हम लोग। मटर गल तो गई है, मेथी और मटर दोनों अभी हमारी गली हुई है लेकिन हम लोग इसे फिर भी ऑयल में एक बार जो है हम लोग फ्राई कर लेंगे जब हम लोग मसाला बनाएंगे। तो चलिए आगे जो है प्रोसेस करते हैं। देखिए हमने जो है यहाँ पे तेल गरम कर लिया है, अब इसमें जो है हम लोग कड़ी पत्ता और दालचीनी डाल देंगे और जैसे ये थोड़ा सा हो जाएगा हम लोग, ये देखिए कड़ी पत्ता और जो है हमारा काफ़ी अच्छा जो है भुना गया है। अब इसमें जो है हम लोग ये तमाम हमारे जो मसाले हैं वो डालकर इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए हम लोग चला लेंगे क्योंकि ये ड्राई मसाले हैं तो बहुत जल्दी भुन जाते हैं। देखिए मसाले भुना गए हैं, अब इसमें जो है हम लोग फौरन से वापस से जो हमारी मेथी है वो डाल लेंगे और इसे मसालों के साथ एक बार फ्राई करेंगे अच्छी तरह से ताकि ये जो है थोड़ा सा ब्लैकिश कलर जो है इसमें आ जाए। चलिए इसे 2 मिनट के लिए बस भून लेते हैं और उसके बाद जो इसमें हमारी अपनी ग्रेवी जो है वो डाल लेंगे। ये देखिए मसाला और मेथी दोनों जो है काफ़ी अच्छी भुन गई है। इसमें जो है हम लोग हमारा मिक्सचर जो है जिसे हमने एक पेस्ट बनाया हुआ है वो हम लोग इसमें डाल देंगे। और इसे एक बार भून लेंगे। इसे एक बार जो है बॉईल आने देते हैं हम लोग। इसी में मैं अब डाल दूंगी ये जो हमारी मलाई है ये
और इसे भी जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चला के हम लोग। अब इसमें मैं धनिया पत्ती और गरम मसाला जो है वो डालकर और इससे जो है आपको गार्निश करके और फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए मैं इसमें डाल देती हूँ ये गरम मसाला, नींबू का रस और धनिया पत्ती जो है मैं आपको गार्निश करने के लिए। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म बहुत ही अच्छी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी से बनने वाली मेथी मलाई मटर। आप लोग इस अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैसी बनी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी।